हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिराज। कैसे आप सब? आई होप आप सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। कंटिन्यू एंड डेली बेसिस पे आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की ये क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, इनकम टैक्स एज ए सब्जेक्ट टॉप ऑफ कॉमर्स में है। ठीक है, उससे जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसे हम बेसिक क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इनकम टैक्स का स्टार्टिंग क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेली बेसिस पे क्लासेज आपको इस चैनल पे आपको मिलेंगी, हमारी एकेडमी ऑफिशियल के इस प्लेटफॉर्म पर। कॉमर्स के, कॉमर्स की तैयारी ही सिर्फ इस चैनल पे कराई जाती है, ओनली कॉमर्स। आपका जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम वैकेंसी निकलती है जिसमें कॉमर्स आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट रहता है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स क्लासेस ही आपको मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पे आए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे पुराने यूज़र्स हैं, हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, ठीक है, एंड जितने भी हमारे पेड यूज़र हैं, सभी लोगों को क्लासेस कैसी लगी आफ्टर वॉच करने के बाद, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग ये भी बताइए कि सर आगे क्या ये क्लासेस कंटिन्यू रखनी चाहिए, इनकम टैक्स का क्या पूरा पढ़ाना चाहिए? आपको पूरी पढ़नी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं थियरी न्यूमेरिकल सब बताऊँगा, इंपॉर्टेंट। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस समय इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी को मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। देखिए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर पूरी तरीके से पेड बैच की क्लासेस चल रही हैं, क्रैश कोर्स पूरी तरीके से चल रहा है, रन कर रहा है। यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर्स की तैयारी के लिए जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, आपकी क्लासेस कंटिन्यू हमारे एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर चल रही हैं, पेड बैच चल रहा है, रन कर रहा है। थियरी बेस्ड क्लासेस आपको मिलेंगी स्पीड बैच में, एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस मिलेंगी, न्यूमेरिकल की क्लासेस अलग लगा दी गई हैं। फ्राइडे सैटरडे दो दिन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लासेस आपकी रहेंगी, एंड देन इन सब के साथ साथ आपको नोट्स वगैरह सब आपको ऐप पे अपडेट मिलेगा आफ्टर क्लास के बाद। मॉक टेस्ट एंड क्विज सेक्शन, ये सब आपको स्पीड बैच में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। आपको ऐप पूरी तरीके से गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को सर्च कीजिए, वहाँ रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, देन वहाँ से आप पूरी तरीके से हमारी एकेडमी ऑफिशियल के स्पीड बैच से आप जुड़ सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर। क्लियर, आपके सिलेबस जारी कर दिया गया है, सिलेबस वाइज सारी क्लासेज हो रही हैं, थियरी न्यूमेरिकल एमसीक्यू सभी, तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है कोर्स को लेकर, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आज की क्लासेज हम स्टार्ट कर। या टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है। इनकम मतलब आय और टैक्स मतलब कर, तो आयकर मतलब इनकम टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इजी क्वेश्चन, मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन है ये, तो लगभग हर स्टूडेंट को मालूम रहना चाहिए इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाती है। क्या आपकी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, क्या आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है, या बोथ ए एंड बी, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों सरकारें मिलकर टैक्स लगाती हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका टैक्स लगाता है। क्लियर, तो आपके ये चार ऑप्शन है। राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका, जो आपका इनकम टैक्स पर व्यक्ति की इनकम पे जो लगता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति इस टैक्स को पे करता है, जिसकी एक लिमिट रहता है, ठीक है, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनकम टैक्स को पूरी तरीके से लागू करती है, इनकम टैक्स लगाती है पर व्यक्ति की आय पर, ठीक है। अब ये इनकम क्या कितना रहता है, सभी के रेट अलग अलग है, ये जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। अभी ये क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, तो इनकम टैक्स आपको मालूम होना चाहिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इनकम देखिए, वसूल करने का काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, लेकिन जो इनकम टैक्स लगाती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार लगाती है। इसको कलेक्शन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, हर जगह इनकम, हर एक स्टेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, और वहाँ के कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट के भी नियुक्त किए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कलेक्शन करने का स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, लेकिन ये लगाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, और इसका पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर, बाद में ये है कि हिस्सा वगैरह ये सब कैसे कैसे बढ़ता है, ये आगे के सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये तो एक विभाग है, ठीक है, ये क्या टैक्स लगाएगा, ठीक है, ये एक विभाग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका काम करना होता है, जो सरकार निर्देश देगी उसी के आदेश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना वर्क करती है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से यहाँ पे राइट किया हुआ है, आप सभी लोग एक बार देख लीजिए। या प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक
कर है। क्या है? टैक्स है। आयकर कानून को शासित करने वाले उपबंध आयकर अधिनियम 1961 में दिया गया है। जो इनकम टैक्स जो एक्ट है, ठीक है, वो 1961 इस समय इंडिया में अप्लीकेबल है। क्लियर? आयकर कानून को शासित करने वाले उपबंध आयकर अधिनियम 1961 में दिया गया है। क्लियर? इट इज अ टैक्स इम्पोज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? इम्पोज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड द प्रोविजन गवर्निंग इनकम टैक्स लॉ आर गिवेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स के जो लॉ है, कानून है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पूरी तरीके से दिया गया है। कैसे इनकम टैक्स के क्या क्या लॉ हैं, ठीक है, किस बेसिस पे पर व्यक्ति की इनकम पे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, कितना रेट लिया जाएगा, इनकम के सोर्सेज उसके पूरे कैलकुलेट होंगे कहाँ कहाँ से, ये पूरा इसमें डिटेल में है। जब आप पेड बैच ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जब क्लासेस चलेगी तो आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्लियर? जितना भी इनकम टैक्स में आपका सिलेबस में है वो पूरा कंप्लीट आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाएगा। चलिए, यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, हेयर इज योर सेकंड क्वेश्चन। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू, आयकर अधिनियम 1961 लागू है। आपसे पूछा जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू है, कहाँ कहाँ लागू है। आपके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। दे आर फोर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में आयकर अधिनियम 1961 लागू है, या महाराष्ट्र में ही सिर्फ इनकम टैक्स का रूल लागू है। होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में आयकर अधिनियम 1961 लागू है, या ऑल ऑफ द अबव, सभी, पूरा ऑप्शन। क्लियर? तो कहाँ पे ये आपका आयकर अधिनियम 1961 लागू है? इसका राइट आंसर क्या है? ए है। ठीक है, ए मीन्स इसका जो इनकम टैक्स लागू है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इनमें आज कर दूँ। हाँ, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, होल ऑफ इंडिया। क्लियर? होल ऑफ इंडिया मतलब पूरे भारत में आयकर अधिनियम 1961 लागू है, ना कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो लागू है ही, लेकिन पूरे इंडिया में लागू है। ऑप्शन ये कह रहा है महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में लागू है। तो ये ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनएक्टेड इन द ईयर 1961 द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है इज चार्जिंग, ये पूरी तरीके से लागू है। स्टेटस ऑफ द इनकम टैक्स एक्सटेंडिंग द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में, ठीक है, 1961 ये कानून है और पूरे भारत में ये लागू है। क्लियर? मतलब 1961 अधिनियम जो है, ये आयकर अधिनियम पूरे भारत में आयकर पर, आयकर का एक चार्ज कानून है, एक लॉ है। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर? अब आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे द एक्ट प्रोवाइड्स, ठीक है, एक्ट ये जो है 1961 ये क्या प्रोवाइड करता है? इम्पोजिशन, कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स कैसे लगाया जाएगा, अधिरोपण मतलब कैसे लगाया जाएगा, किस व्यक्ति की इनकम पर कितना इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है, 5% 10% जो भी इनका रेट होता है, कैसे पूरी तरीके से इसकी इनकम कितनी है टोटल, उस बेस पे कैलकुलेट करके कितना इनकम पर व्यक्ति पे लगाया जाएगा, संग्रहण कैसे, कलेक्शन होगा, प्रशासन कैसे किया जाएगा इनकम टैक्स वसूलने का, ठीक है, वसूली, ये सब प्रावधान 1961 में है, आयकर अधिनियम 1961 में। क्लियर? डाउट क्लियर है? चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाँ थोड़ा समय छोटा कर दूँ। यस, सो टू हियर इज थर्ड क्वेश्चन। फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस बिल जो आपका है, ठीक है, मीन हम कह सकते हैं वित्त विधेयक। फाइनेंस बिल मतलब वित्त विधेयक, बिकम द फाइनेंस एक्ट। वित्त विधेयक कब आपका वित्त अधिनियम बन जाता है, ठीक है, व्हेन इज पास्ड बाय। फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय। वित्त विधेयक पारित होने पर वित्त अधिनियम बन जाता है। क्लियर? तो कब, कहाँ, किस जगह से पारित होने पे आपका जो फाइनेंस बिल होता है ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है, एक कानून बन जाता है, ये एक बिल नहीं, अब ये एक कानून बन गया। क्लियर? तो कहाँ से ये पारित हुआ माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है लोकसभा से। क्लियर? आपके ऑप्शन है लोकसभा से। क्या फाइनेंस बिल पारित होने के बाद आपका फाइनेंस एक्ट बन जाता है, या लोकसभा, राज्यसभा, या बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड साइन बाय द प्रेसिडेंट, या दोनों हाउस से, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पारित होने के बाद, या राष्ट्रपति की सिग्नेचर, ठीक है, के बाद ये पूरी तरीके से आपका बन जाता है। क्लियर? या बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट साइन बाय द प्राइम मिनिस्टर, दोनों मतलब सदनों से पारित होने के बाद, प्रधानमंत्री की सिग्नेचर के बाद ये पूरी तरीके से फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? हेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। मीन यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड साइन बाय द प्रेसिडेंट,
मतलब दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से फाइनेंस बिल आपका पूरी तरीके से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर लगने के बाद ये फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट आपका बन जाता है। क्लियर। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ मैंने नोट डाउन किया हुआ है। यस, द फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस टू द लोअर हाउस। जो फाइनेंस बिल है ये पहले इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया था, लोअर हाउस में, आफ्टर द यूनियन बजट इज रिप्रेजेंटेड बाई द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो यूनियन बजट, जो केंद्रीय बजट जारी करने के बाद, ठीक है, वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद इस फाइनेंस बिल को, ठीक है, ये कहाँ पे, निचले सदन मतलब आपका लोकसभा, लोकसभा को ये हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, निचला सदन कहते हैं, वहाँ पे ये पेश किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, वंस द प्रपोजल आर पास बाय द पार्लियामेंट, एक बार अगर ये प्रपोजल, ये प्रस्ताव जो है, ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा अगर ये पारित हो जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, एंड असेंटेड बाई द प्रेसिडेंट एंड इट बिकम द फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। फिर उसके बाद जब लोकसभा द्वारा पारित हो गया तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है, सिग्नेचर कर देता है और आपका ये फाइनेंस बिल आपका फाइनेंस एक्ट हो जाता है, ठीक है, वित्त, ठीक है, वित्त विधेयक आपका क्या हो जाता है, आपका पूरी तौर पर वित्त अधिनियम बन जाता है, ठीक है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है, एक वित्त कानून मतलब फाइनेंस कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड साइन बाई द प्रेसिडेंट। क्लियर। चलिए, हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्सेबल इनकम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस। आपके जो टैक्सेबल जितनी आपकी इनकम है, ठीक है, उस पर कितना टैक्स लग रहा है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस, किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि इतना टैक्स आपकी इनकम पे लगेगा। तो सबसे पहले ये आपका यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मीन आपका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, नागरिकता आपकी देखी जाती है, स्थायी निवासी आप कहाँ के हैं, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इज रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पे आपकी टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन की जाती है। क्लियर। चलिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका किस आधार पे निर्धारित किया जाता है, ठीक है, स्थायी निवासी आपका, ठीक है, कहाँ पे आपकी देखा जाता है कि किस जगह के आप निवासी हैं। क्लियर। तो प्रीवियस ईयर का डेटा देखकर निर्धारित किया जाता है, असेसमेंट ईयर आने वाले वर्षों में, अकाउंटिंग ईयर लेखांकन वर्षों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाता है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आप कहाँ के नागरिक हैं, किस जगह के आप निवासी हैं। क्लियर। तो इस आधार पर आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस आपकी निर्धारित की जाती है। जैसे बिहार का आदमी मुंबई में जाके रह रहा है, ठीक है, कमाने खाने के लिए, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर का डेटा देखा जाएगा। क्लियर। प्रीवियस ईयर पूरा एक साल का पुराना पिछला देखा जाए, उसी आधार पे निर्धारित किया जाता है। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं, व्हेन वाज इनकम टैक्स लेविड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया में इनकम टैक्स पहली बार कब लागू किया गया, तो आपके ऑप्शन है 1961, 1860, 1947। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, इंडिया में इनकम टैक्स सबसे पहले 1860 में लागू किया गया था। क्लियर। पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था 1860 में, इंडिया में आयकर अधिनियम मतलब आयकर पूरी तरीके से इनकम टैक्स लागू कर दिया गया था। तो 1860 द इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 में लागू किया गया था बाई ब्रिटिश रूलर्स। जो उस समय क्या था, इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज थे इंडिया में अंग्रेज शासन कर रहे थे। क्लियर। तो अंग्रेजों द्वारा ही ये पूरी तरीके से इनकम टैक्स लागू किया गया था। क्लियर। ब्रिटिश रूलर द्वारा 1860 में पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया था। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है, जैसे लगता है कि ये क्वेश्चन सभी जितने भी आयोग हैं, जो भी एग्जाम ले रहे हैं, सभी लोगों को ये क्वेश्चन पसंद है। इतनी बार मैंने पूरा प्रीवियस ईयर छान मारा, हर एक एग्जाम का मैंने देखा, ये क्वेश्चन बार बार सभी एग्जामों में पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको टिक लगा दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कौन सी इनकम पूरी तरीके से टैक्स के दायरे से बाहर है, जिस पर टैक्स नहीं लगता है। क्लियर। टैक्स सरकार नहीं लेती है, भारत सरकार इनकी इनकम पर टैक्स नहीं लेती है। तो आपके ऑप्शन है एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपको एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है, तो सरकार की आपसे टैक्स नहीं लेगी। फर्स्ट ऑप्शन, सम रिसीव बाई द मेंबर ऑफ HUF मतलब हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली से, ठीक है, टोटल जितना भी रिसीव हो रहा है, ठीक है, उनसे, या शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म, एक फर्म से, फर्म का जो पार्टनर है वो जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है अपने शेयर से, उसकी इनकम पर। क्लियर। या ऑल ऑफ द अबव मतलब इनमें से सभी। क्लियर। तो इन सभी की इनकम पे आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी क्या रहती है, टैक्स नहीं लेता है। ये सभी टैक्स के दायरे से बाहर रहते हैं, चाहे एग्रीकल्चर की इनकम हो, ठीक है, चाहे सम रिसीव बाई ए मेंबर फ्रॉम HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी मेंबर हो, अगर वो मतलब अपने
घर के बिजनेस में अगर वो वर्क कर रहा है तो उसकी पर्सनल इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसकी पर्सनल इनकम में एवरी मेंबर, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये 6 मेंबर हैं, एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, एक ही फैमिली के हैं, कोई उनका भाई है, कोई चाचा है, कोई बेटा है, सब कर रहे हैं, तो पर्सनल मतलब सम रिसीव बाई ए मेंबर। अगर एक मेंबर अपने ही घर में से, अपने ही बिजनेस से पैसा लेता है तो उसकी पर्सनल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है, एक आपका मैं मान सकता हूँ ये कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये खुद ही टैक्स पे कर रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कंपनी इसको मानी जाएगी या एक ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद ही टैक्स पे कर रहा है, तो पर मेंबर की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। कोई पार्टनर है अगर किसी कंपनी में, उसने शेयर खरीदा है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर खरीदा हो, डिबेंचर खरीदा हो, क्लियर, चाहे इक्विटी शेयर उसने खरीदा हो, ठीक है, लिया है किसी कंपनी का, तो उस शेयर में से जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है उसकी इनकम पे, जो उस प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है वो पार्टनर की इनकम होगी, उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है सरकार को। मान लीजिए ए एक कंपनी है, ठीक है, मैं अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए ए एक कंपनी है और यहाँ पे एक्स वाई जेड ये 3 शेयर होल्डर्स हैं, इसका शेयर लिए हुए एक कंपनी में लगाए हुए शेयर। अब कंपनी एक खुद ही टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रही है, टैक्स पे कर रही है, तो इनके प्रॉफिट जब मिल रहा है इनको, तो इनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ये बात आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए, इनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ए बी सी सभी सही होंगे। चलिए क्वेश्चन और देखेंगे जो आपके वन लाइनर बेस पर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपके इनकम टैक्स से आते हैं, तो इसको देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सच कंपनीज विच गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 फर्निस इनकम टैक्स रिटर्न, ऐसी कंपनियां जो धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त करती हैं वह आयकर विवरणी प्रस्तुत कर सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां जिन्हें धारा 11 के अधीन छूट मिलता है, तो कौन सा प्रोफार्मा, कौन सा फॉर्मेट प्रस्तुत करेंगी, ठीक है, अपनी इनकम को शो करने के लिए, अपनी इनकम को शो करेंगे और छूट पाने के लिए कि हमारी इनकम पे हमें इतनी छूट मिलनी चाहिए, क्लियर। तो वो ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दायर करेंगी, और वो भी कौन सा प्रारूप, 6वां प्रारूप, ठीक है, 6 प्रारूप जो है, 6 फॉर्मेट जो है, उसी प्रारूप में वो पूरी तरीके से, इसे हम कहते हैं क्या, इनकम टैक्स रिटर्न, ये फाइल होती है इनकम टैक्स रिटर्न, 6 प्रारूप ये सभी कंपनियां प्रस्तुत करती है छूट पाने के लिए, क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करदाता अपनी संशोधित आय प्रस्तुत कर सकता है, कैन द टैक्स पेयर फर्निश हिज रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। हाँ, करदाता अपनी संशोधित आय प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी टैक्स पेयर है वो ये बता सकता है कि मेरी इतनी टोटल इनकम है, मेरे इतने खर्चे हैं, क्लियर, मेरी इतनी इनकम है, मेरे इतने खर्चे हैं, मैंने यहाँ से मतलब पूरी तरीके से वो अपना पूरा इनकम बताएगा, इतनी सेविंग है, इतने खर्चे हैं, ये पूरा बता सकता है, ये समझ लिया, राइट्स मिला रहता है एवरी टैक्स पेयर को, क्लियर। तो वो पूरी तरीके से अपना संशोधित आय बता सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है, कर योग्य सेवाओं का मतलब टैक्सेबल सर्विस RSS नॉन, कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन किस धारा के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो धारा 67 के अंतर्गत अंडर सेक्शन 67 जितने भी आपके, ठीक है, टैक्सेबल सर्विसेज हैं, ठीक है, उनका वैल्यूएशन किया जाता है, किस एक्ट के, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 67। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज गिवन टू, मतलब चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए कटौती दी जाती है, किस सेक्शन के अंतर्गत दिया जाता है, तो ये अंडर सेक्शन 80D धारा 80D के तहत पूरी तरीके से मेंशन है कि चिकित्सा बीमा प्रीमियम पे आपको छूट मिलेगी, ठीक है, टैक्स में पूरी तरीके से छूट मिलेगा, क्लियर, 80D के अंतर्गत, क्लियर है। चलिए, कर आधार वर्णित है, मतलब द बेसिस ऑफ द टैक्स चार्जेस इज फॉलो, टैक्स चार्जेस का आधार क्या है, तो ये धारा 8 में पूरी तरीके से वर्णित है, पूरी तरीके से। क्वेश्चन है आपका कि द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू, आयकर अधिनियम 1961 भारत में लागू हुआ, पूरी तरीके से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, ये कब लागू हुआ, ये 1 अप्रैल 1962 से पूरी तरीके से इंडिया में आयकर अधिनियम 1961 लागू हो गया, क्लियर। आयकर अधिनियम 1961 मैंने पहले बता रखा है, ये इनकम टैक्स लॉ होता है, आयकर कानून होता है इसमें, ठीक है, इसमें सारे नियम कानून लिखे रहते हैं आयकर टैक्स 1961 में, क्लियर। व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, द डेफिनेशन ऑफ ए पर्सन शैल इंक्लूडेड, एक व्यक्ति की परिभाषा में किसको शामिल किया जाएगा, जो टैक्स पे करेगा, एक व्यक्ति हो सकता है जो अपनी इंडिविजुअल इनकम पे टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक फर्म होता है, और एक कंपनियां होती हैं जो अपनी इनकम पे पूरी तरीके से टैक्स पे करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय को आयकर अधिनियम के अनुसार संबित किया जाएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय कहिए या दिल्ली विश्वविद्यालय कहिए, लखनऊ विश्वविद्यालय कहिए, कोई भी विश्वविद्यालय, ठीक है, अगर वो आयकर अधिनियम के अनुसार उन्हें शामिल किया जाएगा, किसमें शामिल किया जाएगा, तो उन्हें कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की श्रेणी में, मतलब इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में इन्हें शामिल किया जाएगा, क्लियर। कोई भी विश्वविद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, इन्हें आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में शामिल किया जाएगा, क्लियर।
चलिए यहाँ पे हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी या एक कंपनी आयकर अधिनियम की धारा के अंतर्गत किसी आय से कर मुक्त है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ठीक है, तो उसको जितनी भी उसको एग्रीकल्चर उसके अपने कृषि से ठीक है खेतीबाड़ी से उसे जितनी भी इनकम होती है वो इनकम पूरी तरीके से जो कृषि से उसकी जो कमाई होगी ठीक है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगी। क्लियर? तो किस सेक्शन में ये पूरी तरीके से वर्णन किया गया है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसे छूट मिलेगा? क्लियर? तो किसमें ये पूरी तरीके से मेंशन किया गया? धारा 10 1 के अंतर्गत, मतलब सेक्शन 10(1) के अंतर्गत कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी जो एग्रीकल्चर से इनकम होगी वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन एवं निर्माण में व्यवसाय से होने वाली आय का कितना प्रतिशत कृषि आय माना जाता है? क्लियर? द परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इज कंसीडर्ड एज अ एग्रीकल्चर इनकम। तो टोटल 60% आय को हम पूरी तरीके से कृषि योग्य आय मान सकते हैं। क्लियर? एग्रीकल्चर इनकम मान सकते हैं इसको। क्लियर? पूरा नहीं 100% माना जाएगा, चाय के उत्पादन से हम पूरी नहीं मानेंगे कि ये एग्रीकल्चर इनकम है, सिर्फ 60% कैलकुलेशन किया जाएगा और 60% ही छूट मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया में कृषि पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है एग्रीकल्चर पर। क्लियर? एग्रीकल्चर के जो उत्पाद वगैरह रहता है उन पे कभी कभार ले लिया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर पे नहीं लिया जाता। कॉफ़ी के उत्पादन एंड निर्माण से आय का कृषि आय माना जाता है, मतलब इनकम फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफ़ी इज कंसीडर एग्रीकल्चर इनकम। कॉफ़ी का मतलब आप फार्मिंग कर रहे हैं, क्लियर, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कॉफ़ी का, तो आपको उससे जितना भी इनकम होगा उसका 75% ठीक है, 75, क्लियर, 75 क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। बाकी कॉफ़ी पे आप 25% टैक्स पे करेंगे सरकार को, जितना इनकम बचेगा 25% इनकम, जितना आपको इनकम हुआ कॉफ़ी से, मान लीजिए 1,00,000 अगर आपको इनकम हुआ है कॉफ़ी के उत्पादन से, तो 1,00,000 का 75% तो पहले टैक्स फ्री 75%, 25,000 पे आप टोटल देंगे। ये मैं बता रहा हूँ 1,00,000 का डेटा लेकर, बाकी तो अलग है ठीक है। कॉफ़ी पे यहाँ पे बात करते हैं, या रबड़ उत्पादन की दशा में ठीक है कृषि आय एवं व्यावसायिक आय का अनुमान क्या है? क्लियर? इन द केस ऑफ द रबर प्रोडक्शन द रेशियो ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टू द बिजनेस, तो ये आपका कितना रेशियो है? 65 एंड 35। क्लियर? 65 आपका क्या है? कृषि आय है। अगर रबड़ का बिजनेस कर रहे हैं, रबड़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, रबड़ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर जो भी आपका है खेती बाड़ी उसका कर रहे हैं रबड़ का, तो उससे जितनी भी इनकम होती है उसका 65% एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, जिसमें आप टैक्स पे नहीं करेंगे, 35% पे टैक्स लिया जाता है। क्लियर? जितना भी इनकम होगा। चलिए, कुल आय की गणना करते समय कटौती की जाती है, डिडक्शन आर मेड वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। तो टोटल इनकम काउंटिंग करते समय किस पे आपको छूट मिलता है? तो धारा 80C से धारा 80U के तहत, अंडर सेक्शन 80C से 80U के तहत आपको पूरी तरीके से आपकी टोटल इनकम में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, धारा 80 से धारा यू के तहत छूट मिलता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लासेस में इतना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इनकम टैक्स से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा। अगर क्लासेस समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप ऐप पे पूरी तरीके से, वहाँ स्टूडेंट पोर्टल है, वहाँ अपने क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछना है तो आप ऐप पे टाइप कर दीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड जितने भी स्टूडेंट हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको पर डे क्लासेस आपको मिलती हैं, थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, न्यूमेरिकल क्लासेस, मॉक टेस्ट, ये सब आपको मिलता है इस पेड बैच में। क्लियर? तो पेड बैच ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। क्लियर? तो मिलते हैं कल की क्लास में, इनकम टैक्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।